नमस्कार जी, स्वागत है धाकड़ हरियाणा में। आज किन मुद्दों को लेकर के आप ये प्रभात फेरी निकाल रहे हैं? ये प्रभात फेरी 21 जून को आयोजित होने वाले यहाँ 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। इस योग दिवस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ शिरकत करेंगे और आज सभी योगी भाई बहन मिलकर हम इस प्रभात फेरी को निकाल रहे हैं और जन जन को जागरूक कर रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाने के लिए आप इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे? योगी पुराना बस स्टैंड क्राउन प्लाजा ठाकुर वीर सिंह पार्क से मैं महिलाओं को योगा सिखाती हूँ। पिछले 5 सालों से मेरे ग्रुप में लगभग 50-55 महिलाएं हैं। हर आयु वर्ग की महिलाएं मेरे पास योग करती हैं। 70 साल की महिला भी है और 15 साल की लड़की भी इसमें योग करती है। महिलाओं को स्वस्थ रखना ही मेरा एक उद्देश्य है। एक महिला स्वस्थ रहेगी तो अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेगी। योगा दिवस पे हम सब अपने प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और योग करो और निरोग रहो, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। संगठन भारत विकास भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति का ये निश्चय है कि हर घर स्वस्थ हो और उसके लिए हमने कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ 20-25 हज़ार रुपये की दवाई ना आती हो। इसके लिए हमने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जन जन को जगाना है और खुद भी जागना है। इस कड़ी में पूरे संसार द्वारा 21 जून को योग दिवस मनवाना हमारी विशेष उपलब्धि है। आइए हम सभी 21 जून को विशेष तौर पर भांति भांति से मनाएं। इस दिन को हम उत्सव के रूप में मनाएं। सभी जन जन गांव, गली, मोहल्ला, कस्बा, ब्लॉक, तहसील और सभी जिले के कॉलेज स्कूल के अंदर घर घर में योग करें और योग कराएं। प्रभात फेरी, मैराथन दौड़, सेमिनार, नाटक, कविता लेखन व योगा प्रतियोगिता आदि करवाकर दुनिया को सूर्य नमस्कार से, योग से आगे और योग से करें निरोग और सभी रहें निरोग। सबकी कर दो कमती कर दो भोग, इस मंत्र को देकर के भारत का डंका बजाएंगे। हम उन्हें देश को विश्व गुरु बनाएंगे और यही हमारी भावना है। इसी भावना के साथ आज हमने ये प्रभात फेरी निकाली है पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान की तरफ से, और जनता से आग्रह करते हैं कि 21 जून को प्रातः 6 बजे स्टेडियम में, भीम स्टेडियम में पहुँच करके जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसके अंदर बहुत से बहुत अधिक भाग लें ताकि अपने देश का नाम हो, नाम हम पुनः विश्व गुरु बने, यही हमारी मनोभावना है। इसी आशा के साथ सभी से पुनः प्रार्थना करूंगा कि स्टेडियम में जरूर पहुंचे। धन्यवाद। धन्यवाद।